राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के श्याम रजक साहब यहाँ पर सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के तो सब लोग अच्छे से घुल गए हैं, मिल गए हैं और इस मिलन समारोह में उपस्थित सभी यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के नेता पदाधिकारी हमारे सभी अभिभावक बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी मानव भावों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और नाम है इस समारोह का समाजवादी मिलन समारोह। और आज एक बेहद खास दिन के अवसर पर यह समाजवादी मिलन समारोह रखा गया और सब लोग जान रहे हैं आज लोहिया जयंती है। आज हम अपने नेता लोहिया जी तो सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं, पुष्प अर्जित करते हैं। और यहां जितने लोग बैठे हैं आगे के लाइन में, पिछले लाइन में, आगे की लाइन में, पीछे की लाइन में, सब लोग कर्पूरी जी के नेतृत्व में और लोहिया जी के नेतृत्व में काम किए, लेकिन हमको मौका नहीं मिला। लेकिन हमको मौका मिला जो उस समय लोहिया जी के नेतृत्व में जो लोग काम करते थे, जो हमारे अभिभावक हैं, उनके साथ उनको काम करने का मौका मिला। और हम सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि लोहिया जी कर्पूरी जी के बाद समाजवादियों का झंडा इन लोगों ने काफी बुलंद किया। सभी लोग को धन्यवाद। हमको काम करने का मौका नहीं मिला उन लोगों के साथ, जाहिर सी बात है क्योंकि उस समय हम थे ही नहीं, जन्म ही नहीं हुआ। लेकिन हमारे पिता लगातार, पिता के साथी लोग, सब लोग काम करते, लगातार चर्चा होती है। और हम बचपन से ही बहुत ही सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जागरूक रहे। भले हम क्रिकेट खेलते रहे हों, कहीं भी हम पढ़ाई करने के लिए गए हों, खेले कूदे हों, अलग रहे हों, लेकिन हमेशा से जागरूक हम लोग रहे। और हम लोग तो जनता में जब था तब तक नारे लगाते थे। जब छोटे थे तो पिताजी जनता दल में थे, मुख्यमंत्री थे, तो चेतना रथ निकला था, गरीब चेतना, उसमें भी बैठ के हम लोग नारा लगाए थे, जिसके हाथ में चक्का उसका भी पक्के चक्का साफ होता। तो लगातार हम लोग जो हमको सीखने का मौका मिला, अवसर मिला, इन्हीं लोगों से मिला और कहां से मिलेगा। पिताजी के साथ, इतना बात करने का मौका नहीं मिलता, थोड़ा भय होता ना, हम लोग के संस्कार में होता कि बेटा थोड़ा खुल के नहीं बतिया पाता है बाबू जी से। तो हम लोग इन्हीं लोगों से बतियाते रहे, सुनते रहे ज्यादातर। अब जब समझ में आ गया था विस्तार रूप से, पिताजी से हर चीज पर चर्चा होने की बात हो। अब सब लोग यहाँ समझवादी लोग, सब लोगों ने संघर्ष किया, सभी वक्ताओं ने बात बताया, कहाँ कहाँ जेल में रहे, कौन कौन कानून के खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन किया, उस समय क्या चुनौती था, अब क्या चुनौती है, कैसे कैसे इन लोगों ने दिन देखे, तब जा करके एक बड़ी फौज तैयार की। सब लोग उस समय वैचारिक रूप से लैस थे, लेकिन आज से हम लोग देखते हैं कि बड़ी कमी हो गई है वैचारिक रूप से।
अब राजनीति में सत्ता का सुख प्राप्ति ही सब कुछ हो गया बहुत लोग। अब विचार नीति सिद्धांत से किसी को कोई लेना देना नहीं, ये कमजोरी है। ये एक जगह चुनाव होगा तो टिकटों एक ही नाम बटेगा, एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। अब एक को टिकट मिलता है, एक को और लोग को नहीं मिलता, तो लोग खुला नहीं मिलते। ये बातें आज के दृश्य हम लोग देख रहे। एक चीज और क्या नया बनाया है, जब आप लोग सब लोग संघर्ष करते थे तब बल से कुछ ले जाते थे, तब सब लोग गोलबंद हुआ, समाजवादी लोग झंडा ऊंचा हुआ, तब जाकर के आजादी मिली। 90 के बाद सब लोग बुलंद हुए, अपने अधिकार को जानो। अब क्या हो रहा है, पहले बल से कुछ ले जाते थे, अब कुछ लोग जो है धन से कुचल ले लगे। वही पिछड़ा, वही अति पिछड़ा, वही दलित, कहीं ना कहीं जो उस विचार के साथ हम लोग संघर्ष किया करते थे, समाजवादी लोग काम किया करते थे, आज उस हिसाब से हम लोग काम नहीं कर पा रहे, कमजोरी हम सब लोग में। तभी इसका नतीजा है कि आज सांप्रदायिक शक्तियां देश के गद्दी पे राज कर रही है, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जिसका इस देश की आजादी में कोई लेना देना नहीं था, आज देश चला। तो ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। हम सब लोगों को मिलकर के कहीं ना कहीं एक कमी रही कि हम लोगों ने कोई अलग से लोग शक्ति नहीं था जो लोग राज कर रहा, हम लोग कमजोर हुए अपनी ही गलत कुछ निर्णयों के वजह से, गलत फैसलों के वजह से, या अपने ईगो के वजह से हम लोगों ने अपने आप को बांटने का काम किया, हम लोग बिखरे। और हमें बड़ी खुशी है इस बात को लेकर के कि आदरणीय शरद यादव जी ने भी अपने पार्टी का जो मर्जर जो है राष्ट्रीय जनता दल में किया एकजुटता के लिए, मजबूती के लिए, बिहार और देश के हित के लिए। और हम दिल से बधाई देना चाहते हैं देवेंद्र जी को भी कि इतना ऐतिहासिक कदम इन्होंने उठाया है, और ये जनता की मांग थी और ये समय का पुकार था, और उन्होंने सही निर्णय लिया और आज हम लोगों के हाथ मजबूत नहीं, लोहिया जी के विचार के मजबूत करने का काम किया, कर्पूरी जी के विचार को मजबूत करने का काम किया, एक सही निर्णय जो है आज लोगों के विभिन्न का काम किया।